आज मैं फ्रेंड्स लाई हूँ आप सभी के लिए फटाफट बनने वाले कुछ डेकोरेशन आइडियाज़, और वो भी कबाड़ से। घर की सफाई में जो कबाड़ निकला था, मैंने उसी से ये डेकोरेशंस बनाए हैं। सफाई के बाद मैं बहुत थक गई थी, पर ये जो कबाड़ था ये भी मुझे बहुत काम का लग रहा था, तो मुझे ज़्यादा मेहनत वाला कुछ नहीं करना था और ना ही ज़्यादा इन्वेस्ट करना था, तो मैंने सोचा इन्हीं से कुछ बना लूँ जिसमें मुझे कम समय लगे और मुझे खर्चा भी ना करना पड़े। तो मैंने क्या किया, जितने भी कांच की बोतलें थी इनको पानी में गीला करके रख दिया है, जिससे इन पर जो सील लगी है वो गीली हो जाए। और ये पेस्ट्री का डब्बा ले लिया मैंने, मैं इसको काट लेती हूँ। मेरे पास जितने भी डब्बे थे मैंने सारे काट लिए हैं। मेरे पास ये एशियन का स्प्रे पेंट है, इससे मैं इस पर गोल्ड पेंट कर लूँगी। सभी को मैंने पेंट कर लिया है, अब इनको थोड़ी देर ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। पेंट सूख गया है और मेरे पास कुछ मोती थे, तो मैंने मोती ले लिए, सुई में पहले धागे में नॉट लगा दी, फिर धागे से थोड़े देर में एक नॉट लगा के फिर मोती लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास फ्रेंड मोती कम है तो मैं थोड़ा गैप करके लगाऊंगी। इसीलिए एक मोती के बाद थोड़ी दूरी पे एक नॉट लगा ले रही हूँ, फिर मोती डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से, ऐसे थोड़ी दूरी पर मोती लगाने से ये दिखेगा भी सुंदर और मुझे सामान खरीदना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना मेरे पास है उतने में ही हो जाएगा। अब मुझे जितना लंबा चाहिए मैं उतना लंबा इसको इसी तरीके से बना लूँगी। ये देखिए मैंने इसे बना लिया है। अब मेरे पास एक डांडिया पड़ी थी और एक टूट गई थी, तो इसी में मैं सेंटर में इसको लगा लूँगी। पहले इस तरीके से नॉट लगा लूँगी। ऐसे ही फ्रेंड मैं एक एक करके सारे पेस्ट्री के डब्बों को इसमें लगा दूँगी, किसी एक को छोटा तो एक को बड़ा बनाऊँगी, जिससे कि इसका सुंदर लुक आए। देखिए मैंने बना के तैयार कर लिया है। अब डांडिये के दोनों साइड में रस्सी बांध दूँगी जिससे कि इसको मैं लटका सकूँ। ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर और आसानी से बनने वाला होम डेकोर रेडी है। इसे आप जैसे ही घर में लगाएंगे कोई सोच भी नहीं पाएगा कि इसे आपने बेस्ट पेस्ट्री के डब्बों से बनाया है। लग रहा है ना कितना सुंदर। वैसे हैंग कर दीजिए, देखिए घूमेगा तो और सुंदर लुक आएगा। आपको जैसे चाहिए आप वैसे लगा सकते हैं इसे। हमारा दूसरा क्राफ्ट फ्रेंड काजू कतली के डब्बे के जो ढक्कन है उससे बनाएंगे। मैंने इस ढक्कन को साफ कर लिया है और मैं इसके कॉर्नर को काट कर हटा दूंगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने दोनों ढक्कनों के साइड को काट कर हटा दिया है। अब मैं इसमें एक्रेलिक कलर का यूज करूंगी। दोनों ढक्कनों में एक्रेलिक कलर लगाने के बाद मैं इन्हें सूखने के लिए थोड़ी देर छोड़ दूंगी और उसके बाद मैं फेविकॉल से उस पर ओम बना लूँगी। और अब मैं इस पर मिरर लगाऊँगी। मैंने बोला ना फ्रेंड्स मैं बहुत थक गई थी, तो मुझे ना कुछ कट पिट करने का मन हो रहा था, ना ज़्यादा कुछ मेहनत करने का मन था, बस कुछ बनाना था इनसे, इनको फेंकना नहीं था। तो ये कुछ मिरर के पीस पड़े थे, मैंने ओम के ऊपर बस ये मिरर ही चिपका दिया। ये देखिए इस तरह से एक एक करके मैंने सारे मिरर को लगाकर मैंने ऊ बना दिया है। अब इसके पीछे जो ओम की मात्रा होती है वो लगाएंगे और ऊपर चंद्रबिंदु पहले फेविकॉल से बना लेंगे और उसके बाद फिर एक एक करके मिरर लगा देंगे। टाइम तो फ्रेंड इसमें भी थोड़ा सा लगता है, पर इसमें हमको ये नहीं सोचना पड़ता क्या काटें क्या चिपकाएं, एक्स्ट्रा अलग बर्डन नहीं आता कि क्या करें कैसा अच्छा लगेगा, बस काटा और मिरर चिपका दिया। ये देखिए, और ये भी आदि योगी क्राफ्ट में से बचे हुए मिरर थे, बेस्ट पड़े हुए थे, ज़्यादा दिन यूज़ नहीं करते तो इधर उधर हो जाते, तो मैंने इन्हीं से फटाफट ये ओम बना दिया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे ही हम दूसरे पीस पे भी ओम बना लेंगे। कुछ मिरर अभी भी बचे हैं तो उसको इस कॉर्नर में भी इस तरीके से लगा देते हैं। ये देखिए दोनों पीसों में मिरर लगा के हमने कंप्लीट कर लिया है एकदम। अब एक सुई धागा लेंगे और ये दो तीन घंटी पड़ी थी तो ये घंटी में पहले ऐसे धागे से नॉट लगा लेंगे, उसके बाद एक पॉम पॉम लगा लेंगे। कुछ मोतियाँ अभी भी बची हैं, वही मोती से छोटे छोटे आकार के दो लटकन बना लेंगे ओम के नीचे लटकाने के लिए। ये देखिए हमने पांच मोती नीचे लगाई है और पांच मोती ही ऊपर लगा दी, बस इतना काफ़ी है। अब इसको टेप से चिपका देंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है, प्यारा सा छोटा सा ओम तोरण। इसी तरह हम दूसरे वाले में भी चिपका लेंगे। और ऊपर जो हमने ये लटकाने के लिए बनाया, इसे कैसे बनाया वो नहीं बताया ना मैंने आपको। ये देखिए धागे में इस तरीके से नॉट लगा लीजिए, 2-3 नॉट लगा के फिर एक मोती से इसको धागे को बाहर निकाल दीजिए और फिर इसको काट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर ब्यूटीफुल ओम तोरण बनकर रेडी है। तीसरा डेकोरेशन आइडिया भी बहुत ही आसान आइडिया है फ्रेंड्स। इसमें हम जो हमारे रबड़ बैंड है और जो पुरानी चूड़ी है उसका यूज़ करके हम कैंडल होल्डर बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बच्चे भी बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। हम गोल आकार में कार्डबोर्ड को काट लेंगे, जितने हमें कैंडल होल्डर बनाने हैं उतने पीसेस हम निकाल लेंगे। ये देखिए गोल पीसेस निकाल लिए हैं, और हमने जिस टुकड़े में से पीसेस निकाले थे उसका एक साइड लाल था क्योंकि वो केक के डब्बे का ढक्कन था। इसमें हम येलो कलर का पेपर कटिंग करके चिपका देंगे। ये देखिए इसमें हमने पीला कलर चिपका लिया है और बाकी दोनों को हम लाल ही रहने देंगे। इसके ऊपर चूड़ी को फेविकोल से चिपका देंगे ये, और इसमें रबड़ बैंड लगाएंगे। फ्रेंड्स रबड़ बैंड को लगाने से पहले कार्डबोर्ड पर फेविकोल लगा लीजिएगा। अब हम दूसरे रबड़ में नीचे की तरफ फेविकोल लगाएंगे और उसे कार्डबोर्ड के ऊपर इस तरीके से चिपका देंगे। तो अगर आपके पास कोई फूल वगैरह पड़ा है तो आप फूल को फेविकोल से चिपका दीजिए। जब गोल्डन वाले रबड़ बैंड कार्डबोर्ड से चिपक जाए तो उस कार्डबोर्ड वाले साइड में यहाँ पर एक लेस लगा। ये देखिए कितने सुंदर 3 कैंडल होल्डर बनकर रेडी हैं। फ्रेंड्स मैं आपके लिए एक सिंपल रबड़ बैंड का भी कैंडल होल्डर लाई हूँ, क्योंकि नहीं तो आप बोलेंगे आपने तो महंगे और सुंदर दिखने वाले रबड़ बैंड से बनाया है। तो देखिए हम जो सिंपल वाला रबड़ बैंड है उससे भी कैंडल होल्डर बनाएंगे। हम एक कार्डबोर्ड काट लिया है और कार्डबोर्ड के ऊपर पेपर चिपका देंगे, इस पे रबड़ बैंड को इस तरीके से आसानी से लगा देंगे। अब हम इसमें कुछ मिरर लगा लेंगे। और इस कैंडल होल्डर की खासियत ये है फ्रेंड्स कि आप दीपावली के बाद इस रबड़ बैंड को फिर से यूज़ भी कर सकते हैं। तो रीयूजेबल कैंडल होल्डर है ये। 1 मिनट से भी कम समय में आपका कैंडल होल्डर बनकर रेडी हो गया है। इतना सुंदर लग रहा है, 0 cost लास्ट मिनट रीयूजेबल डेकोरेशन आइडिया। कैंडल होल्डर तो हमने बना ही लिया है, तो फ्रेंड्स जो हमने बोतल गीले किए थे उनको साफ करके उनसे अब हम कैंडल भी बना ही लेते हैं। ये देख लीजिए मैंने बोतल को बाहर से तो साफ कर दिया पर अंदर से इसका कलर नहीं निकाला। अब इन बोतलों को हम सजा लेंगे। इन्हें सजाने के लिए हम ज्यादा कोई मेहनत नहीं करेंगे, बस घर में जो छोटे छोटे लेस के टुकड़े वगैरह पड़े हैं, देखिए ये लेस का टुकड़ा इतना सही था तो इसको थोड़ा सा ओवरलैप करके चिपका देंगे इसी पर। देखिए इसलिए हमने अंदर का पेंट नहीं निकाला, लाल एंगल के ऊपर गोल्डन चिपकाया तो कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरह हम येल्लो के ऊपर ब्लू लेस है, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, इसको भी ओवरलैप करके ही लगा लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। अब हमने एक का कलर निकाल दिया था, इसका कलर अब ट्रांसपेरेंट है, तो हम इसके ऊपर गोल्डन कलर की लेस लगाएंगे। तो इस पे हम गोल्डन कलर का लेस लगा लेंगे। ये थोड़ा बड़ा है तो इसको हम काट लेते हैं और उसके बाद चिपका देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे पास लेस ख़त्म हो गई है, 3 ही टुकड़े थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर हम कुछ मिरर लगा दें। अब मिरर के यही टुकड़े बचे थे तो हमने यही टुकड़े लगा दिए। बीच में एक पिंक कलर का नल था उसे लगा दिया, और साइड में ये पंखुड़ियों की शेप के उसे हमने लगा लिया है। ये देखिए कितना सुंदर बन गया है। और कुछ सितारे थे पत्ती के शेप के, तो उससे भी साइड में लगा देते हैं तो ऐसा लगेगा फूल के साथ पत्ती भी है। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, लगभग 1 मिनट में हमने चारों बोतलों को सजा दिया। एक रस्सी को मोड़ लेंगे और उसके बीच में टूथपिक फंसा कर हम उसे बोतल के ऊपर रखेंगे, ऐसा हम एक ही बोतल में करेंगे। इसमें हमने पुरानी जो मोम थी उसको पिघला कर बोतलों में भर दिया है, और उनके बीच में बर्थडे की बची हुई छोटी छोटी कैंडल, जब थोड़ा सा मोम सूख गया तब हमने सेट कर दिया। ये देखिए ये टूथपिक हमने निकाल दिए, देखिए मोम अच्छे से सूख गया है, कितने प्यारे लग रहे हैं फ्रेंड्स ये कैंडल। 0 cost 0 waste की थीम पर हमारा कैंडल होल्डर और कैंडल रेडी हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है ना फ्रेंड्स इसका यूज़ बहुत ही कम लोग करते हैं, मैक्सिमम लोग बोतल यूज़ करते हैं और ढक्कन फेंक देते हैं। आज हम इन्हीं ढक्कनों से फ्लोटिंग कैंडल बनाएंगे, फ्लावर फ्लोटिंग कैंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इन ढक्कनों को पहले कट कर लेंगे। एक ढक्कन में हम मैक्सिमम 8 कट लगाएंगे।
ढक्कन में कट लगाने के बाद सभी टुकड़ों को सीधा कर लेंगे और उसके बाद धीरे धीरे से साइड से शेप देके उनको फ्लावर का पूरा रूप दे देंगे। ये देखिए साइड से शेप देने के बाद ढक्कन एकदम फूल जैसा लग रहा है। अब इसके सेंटर में एक छोटा सा होल बना लेंगे और उसके बाद सभी ढक्कनों को सेम आकार दे देंगे और होल बना लेंगे। कॉटन लेंगे और ढक्कनों के छेद में इसे अच्छे से लगा देंगे। फूलों में रुई लगाने के बाद में हम कटोरी में थोड़े से कलरफुल पत्थर डालेंगे और उसके बाद इसमें पानी डालेंगे और उसके बाद अगर आपके पास में गुलाब की पंखुड़ियाँ या फूल कोई भी फूल है वो फूल डाल देंगे। और अगर आपको कलर चेंज करना हो घर में जो भी कलर अवेलेबल है वो डाल सकते हैं। मेरे पास फूड कलर है, मैं इसमें फूड कलर डालूंगी, एक में लाल डालूंगी और इसमें थोड़ा सा येलो कलर डालूंगी। ये देखिए दोनों का कलर चेंज हो गया है। जो हमने फ्लावर में रुई लगाई हुई है उसको पहले गीला कर देंगे नीचे से और फिर उस तेल को कटोरी में डाल दूंगी, फ्लावर को रख दूंगी। यही प्रोसेस हम हर फ्लोटिंग कैंडल में अपनाएंगे। बाती को पानी में डालने से पहले तेल में अच्छे से डुबो लेने से बाती काफ़ी देर तक जलती है। ये देखिए कितनी सुंदर फ्लावर कैंडल रेडी है। जिन चीज़ों के लिए हम पैसे वेस्ट करते हैं थोड़ा सा कवाड़ और जुगाड़ से हम घर पे ही अच्छे से बना के सजा सकते हैं फ्री में। जो मेरा नेक्स्ट डाई है ये भी बहुत ट्रेंडिंग में है, आजकल बहुत लोग घर सजाने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं पर मार्केट से खरीद के। हम इसे भी फ्री में बनाएंगे। सफाई करते समय मुझे मिला ये टूटा बर्तन तो मैंने लिया एक एमसील और इसको मिक्स कर लिया। दिए और बर्तन को हटा लेंगे और पहले एक प्लास्टिक बिछा लेंगे और उसके बाद दिए को जिस पैटर्न में लगाना है उस पैटर्न में सेट कर लेंगे। ये बर्तन टूटा था तो मैंने एमसील वहाँ पे भी चिपका दिया और पैटर्न सेट कर लिया है। अब ये एमसील को मैं अच्छे से थोड़ा थोड़ा सा लगा कर चिपका दूँगी दियों को, एक एक करके सभी दिए चिपका लूँगी। अब इन्हें मैं सूखने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए ये सूख गया है। अब इसे पलट लूँगी और मेरे पास ये एशियन का स्प्रे पेंट है गोल्ड कलर का, मैं इससे स्प्रे कर लूँगी। एक बार स्प्रे कर लिया है, अब इसे सूखने देंगे, चेक कर लेंगे ये सूख गया है कि नहीं, फिर इसमें पानी डाल देंगे। ये अच्छे से सूख गया है, अब इसमें पानी डाल देंगे और इसमें डालेंगे कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ। आपके पास ज़्यादा फूल है तो आप साबुत गुलाब भी डाल सकते हैं। दियो में बाती लगा दीजिए और उसके बाद जो हमने फ्लोटिंग कैंडल बनाई थी वैसी ही और बना के उर्ली में भी सजा दीजिए। देखिए फ्रेंड्स इतनी सुंदर उर्ली हमने कबाड़ से बना दी जिसे हम फेंकने वाले थे। अगर आप कोशिश करें तो आप घर के कबाड़ से ही इतने सुंदर डेकोरेटिव आइटम बना सकते हैं कि आपको मार्केट से खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट बेस्ट मटेरियल का जो डेकोरेशन आइडिया है ये भी बहुत मस्त आइडिया है फ्रेंड्स, और इसमें भी आपको जीरो बजट है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। इसमें एक मैक्रम लीजिए और हॉट ग्लू गन से उसको बोतल के टॉप पर ऐसे चिपका दीजिए हैंगिंग के लिए और उसके बाद साइड से इसे पूरा राउंड करके टॉप तक कवर कर लीजिए। बोतल को पूरा कवर करने के बाद जो मैक्रम का कॉर्नर है जो अगर वो ख़राब हो गया हो तो उसे काट लीजिए और उसके बाद हॉट ग्लू गन से इसे अच्छे से चिपका दीजिए। इसको अच्छे से चिपकाइएगा क्योंकि हैंगिंग होने पे अगर ये अच्छे से नहीं चिपका होगा तो ये खुल सकता है। अब एक और मैक्रम का टुकड़ा लेके नीचे बॉटम में भी ऐसे राउंड करके कवर कर लेंगे। ये देखिए हमने कवर कर लिया है नीचे का भी बॉटम। इसी तरह हम दूसरे बोतल को भी मैक्रम से कवर कर लेंगे और उसके बाद थर्माकोल और बॉल्स दोनों बोतल में डाल देंगे। फिर हम एक ये लाइट लेंगे, बैटरी वाली लाइट मार्केट में आसानी से मिल जाती है, ये लेंगे और इसे बोतल में लगा देंगे। घर में ये दो बर्नी भी पड़ी हुई थी तो इन दोनों के टॉप में भी हम मैक्रम लगा देंगे। अब इनमें भी थर्माकोल बॉल्स और लाइट डाल देंगे और बोतल के साथ इनका एक सेट बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आप चाहें तो इन्हें हैंगिंग भी कर सकते हैं और या तो इन्हें ऐसे ही आप रख भी सकते हैं, आपको जैसा पसंद है आप वैसे इनसे डेकोर कर सकते हैं। ये टोटली फ्रेंड जीरो बजट इजी मेकिंग वेस्ट मटेरियल क्राफ्ट लास्ट मिनट डेकोरेशन आइडिया है। आपको मेरे ये सारे वीडियो और आइडियाज़ कैसे लगे फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, उससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली, थैंक यू फ्रेंड्स।